बेटे की हार के गम में अभी तक डूबे हुए हैं अशोक गहलोत। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे सीएम के बेटे वैभव गहलोत। जिस नेता ने सीएम के बेटे को हराया उसे जेल भेजने की तैयारी। बीजेपी नेता का अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप, बनाया जा रहा है फर्जी मुकदमा। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच होना है, इसलिए दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों की नजर कांग्रेस नेताओं पर है तो राज्य की एजेंसियां बीजेपी नेताओं पर नजरें गड़ाई हुई हैं। जहां कमजोर कड़ी दिखाई देती है तुरंत ही उसे निशाना बना लिया जाता है। नेताओं को डर लग रहा है कि कब कहां से नोटिस आ जाएगा, कब मामला कोर्ट में चला जाएगा। आरोपों के खेल चल रहे हैं। राज्य के सीएम अशोक गहलोत इस समय दबाव में दिख रहे हैं। दबाव सत्ता बचाने का है। पहला दबाव तो पार्टी के अंदर से ही बना हुआ है। सचिन पायलट लगातार सीएम पद को लेकर दावा कर रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि पायलट को नवम्बर तक सीएम पद नहीं मिल पाएगा, अशोक गहलोत को ही कार्यकाल पूरा करने दिया जाएगा। इसलिए अब पायलट की नजरें विधानसभा चुनाव में टिकी हुई हैं। गहलोत की परेशानी पायलट के साथ विपक्षी दल बीजेपी से भी बनी हुई है। राज्य में बीजेपी बेहद मजबूत बनी हुई है जो कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दे रही है, इसलिए राज्य की एजेंसियां बीजेपी नेताओं पर पैनी नजरें बनाए हुई हैं। और इनमें से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जांच एजेंसियों के निशाने पर बने हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी की ओर से सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वो पसंद माने जाते हैं। गजेंद्र शेखावत की माने तो अशोक गहलोत उनसे कुछ ज्यादा ही नाराज रहते हैं, इसलिए राज्य की तमाम एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ रखा है। शेखावत ने दावा किया कि उन्होंने अशोक गहलोत के गढ़ में सेंध लगा दी थी। जोधपुर संसदीय सीट से चुनाव जीता तो कांग्रेस का गढ़ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से जीते थे। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया था। अब शेखावत दावा कर रहे हैं कि वैभव गहलोत को हराने की सजा अशोक गहलोत उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। संजीव घोटाले में केंद्रीय मंत्री पर सरेआम आरोप लगाने वाले सीएम गहलोत के खिलाफ शेखावत अब मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। इस मामले में गजेंद्र शेखावत ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। अपने बयान में भी उन्होंने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है, कहा है वैभव गहलोत की हार से सीएम गहलोत हताश हो गए हैं। शेखावत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के बयानों से उनकी मानहानि हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने उन पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें बदनाम किया है। इन आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया था शेखावत संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल थे। इस घोटाले में कुल 900 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई थी। इस घोटाले में 1,00,000 से अधिक लोगों के साथ धोखा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन भर की बचत लगाई थी। जबकि गजेंद्र सिंह का दावा है कि अशोक गहलोत उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच एक और मामला खुला हुआ है। दरअसल 3 साल पहले कांग्रेस के अंदर बगावत की स्थिति बन गई। सचिन पायलट अपने 1.5 दर्जन समर्थक विधायकों के साथ गुड़गांव चले गए थे। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मामले को संभाला था। इस बगावत के आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी लगे थे। उन्होंने दावा किया था कि शेखावत ने पैसे के दम पर विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी। शेखावत और कांग्रेस विधायक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सार्वजनिक किया गया था। जांच एसीबी को सौंपी गई थी लेकिन शेखावत ने अपना ऑडियो सैंपल देने से मना कर दिया था, जिस कारण से अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ पाई। इन्हीं सब बातों को लेकर गजेंद्र शेखावत ने आरोप लगाए हैं कि गहलोत अभी तक अपने बेटे की हार भूले नहीं हैं, इसलिए उन पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। गहलोत का दुख इस बात से और बढ़ गया है कि गजेंद्र शेखावत ने सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं जीता बल्कि मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।